नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कैराना, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको भी सुनाते हैं। देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और यमुना मैया भी जिस पर अपनी कृपा बरसाती है, ऐसी धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए इस चैत्र नवरात्र के अवसर पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, सभी देवी देवताओं का नवरात्रि के अवसर पर मां शाकंभरी और बाला त्रिपुर सुंदरी के इस धाम में आगमन होता है, यहां देवी के दर्शन करने के लिए। और इस अवसर पर आप सबके कारण मुझे भी गंगोह में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है, अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसान और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी, जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसान नो के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने द्वारा किसानों के हितों में किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है। बहनों और भाइयों, इन मेहनतकश किसानों, श्रमिकों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों के सामने दुनिया फेल थी, उन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन सरकारों की दंगा पॉलिसी के शिकार हो गए थे, यहां का विकास बाधित हो गया था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, और जातीय खेमों में बांट करके लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया था,
और दुष्परिणाम क्या हुआ, कभी देश गुलाम हुआ, कभी हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए आस्था के केंद्र तोड़े गए, कभी कावड़ यात्रा पे रोक लगाई गई, कभी सिख विरोधी दंगों दंगे होते हैं, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति अपने आप को यानी सुरक्षित महसूस तो नहीं करता था। और जिस सहारनपुर में असीम संभावना थी, प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा थी कि वह शिक्षा के केंद्र के रूप में काशी की तर्ज पर विकसित हो, उसको मजहबी उन्माद और फतवों का शहर बना करके रख दिया गया। ये है देश के खिलाफ साजिश करने वालों की करतूत। ये लोग किस प्रकार की करतूत करते थे, जिसमें संभावना थी अन्नदाता किसानों को के माध्यम से देश को दुनिया की एक ताकत बनाने की, जिन हस्तशिल्पी और कारीगरों में ताकत थी कि दुनिया का सबसे अच्छा कारीगरी दिखा करके वे भारत का नाम दुनिया के सामने करें, जिन नौजवानों के अंदर एक जज्बा था कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, जिन व्यापारियों में ये हौसला था कि दुनिया को अपने में समेट सकते हैं, इन सभी को एक एक करके दरकिनार करके मजहबी उन्माद का केंद्र सहारनपुर को बना दिया गया। और बहनों और भाइयों, गंगो भी उससे वंचित नहीं था। मुझे याद है 2016 में जब सिख विरोधी दंगे हुए थे यहां पर, आपने देखा नहीं इससे पहले क्या होता था, किस प्रकार की अराजकता फैलती थी। जब कांवड़ यात्रा में बैन लगता था तब तो कोई जातिवादी संगठन नहीं आता था, सबके मुंह सिल ले जाते थे, क्योंकि तब की सरकारें जिन गुंड और माफियाओं के ऊपर संरक्षण देती थी, जिन मजहबी ताकतों के सारे पर कार्य करती थी, जिनके सामने घुटना टेक करके उस समय कार्य करती थी, वे लोग कभी भी इस प्रकार की चीजों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। और बहन और भाइयों, परिणाम क्या रहा, परिणाम क्या रहा, जिस बेटी को अपने मां बाप के संरक्षण में अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए थी, बेटी तो जब शादी योग्य होती है तभी ससुराल जाती है, नहीं तो मां बाप के संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करती है, उस बेटी को असमय हॉस्टल में या दूर रिश्तेदार के घर में डर के मारे मां बाप की भेज देते थे। बहनों और भाइयों, यह स्थिति लगातार पैदा करने का प्रयास हुआ। व्यापारी असुरक्षित था, व्यापार नहीं कर पाता था, प्लान करता था, किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, अराजकता का तांडव था। जब कुछ नहीं हो पाया इन लोगों से विकास का कार्य, पहले से बंद चल रही चीनी मिलों को ही बंद करके बेचना प्रारंभ कर दिया। यही तो होता था सपा बसपा कांग्रेस के समय। और आपने पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए नए भारत को देखा है। ये नया भारत दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे रेलवे मेट्रो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग संस्थान ये सभी कार्य हो रहे हैं, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। क्या मोदी जी ने योजनाओं का लाभ देते समय किसी की जाति देखी थी क्या? 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष में फ्री राशन मिलना है, 80 करोड़ लोगों की देश के अंदर भूख का कलंक सदैव के लिए समाप्त हो जाए, जो भूख कांग्रेस ने दी थी देश को।
जिस देश के गरीबों को भूखों मरने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने छोड़ दिया था, कांग्रेस सपा बसपा ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये वोटों के सौदागर हैं, चुनाव के समय दिखेंगे, बाकी संकट के समय सब गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, किसी का आता पता नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आए हैं हम लोग कि इस देश को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। देश को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, अगले 5 वर्ष तक निरंतर मिलेगा। कोरोना में दुनिया उभर नहीं पाई अभी तक, लेकिन भारत में कोई संकट कोरोना का नहीं। 60 करोड़ गरीबों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। कोई गरीब इससे पहले बीमार होता था, लगता था परिवार अब तबाह हो जाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, आज आपके पास एक गारंटी है। अगर कोई दुर्भाग्य से बीमार हुआ तो कह सकता है 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मेरे पास है, मैं उपचार कराऊंगा। और अगर उसके पास वह भी नहीं बन पाया है तो मेरे पास तो कोई भी विधायक, ये कीरत सिंह हो या मुकेश चौधरी हो या स्वयं प्रदीप चौधरी हो, ये कोई भी अगर मुझे पत्र लिख देता है या कोई पीड़ित भी पत्र लिख देता है, मैं बीमार हूं, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं लखनऊ से तुरंत पैसा भेजता हूं उसके खाते में। क्योंकि ये जाति के नाम पर देखने वालों के लिए, वोट बैंक के सौदागरों के लिए वो उसकी जाति हो सकती होगी, लेकिन बहनों और भाइयों, मेरे लिए वो प्रदेश का मतदाता है, प्रदेश का नागरिक है, उसके हितों का संरक्षण करना मेरा दायित्व है और उसको हर प्रकार की सुरक्षा देना, उसकी समृद्धि के लिए कार्य करना मेरा दायित्व है। और हम बिना किसी संकोच के उसको पैसा पहुंचाते हैं। हमने कभी प्रोपोगंडा नहीं किया, कभी नहीं किया। ये जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी मुझे लिखता है हम उसको तत्काल पैसा भेजते हैं, क्योंकि हमारा नागरिक है, उसका अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का उसका अधिकार है। और मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर देश के 60 करोड़ लोगों को अधिकार दिया। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस सपा बसपा की रग रग में भरा पड़ा है, और मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए जनधन अकाउंट की हर गरीब का खाता खोल दिया। यही परेशानी है इन लोगों को कि मोदी जी ने क्यों खोल दिया, क्योंकि अब तो गरीब का पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है, इनको परेशानी है। 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, अनुमान करिए 12 करोड़ किसान 6000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर मिल गया। और हमने कहा मोदी जी फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं तो दाल बिना तड़के का ठीक नहीं, उसको हमने कहा कि दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी देंगे, हम दे रहे हैं। और तो और, मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई, हमने कहा निजी नलकूप धारक किसानों को फ्री में हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, वह भी हमने करके दिखाया। 1500 करोड़ रुपए पिछले वर्ष मैंने दिया था और 2700 करोड़ इस बार के बजट में भी हमने दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, हर एक में व्यवस्था दी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना।
तो अभी आप कैराना से सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। चलिए इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा आयोजित की गई है और इस जनसभा में क्या कुछ कहा गया है आपको भी सुनाते हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की है और अमित शाह इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। है क्या, जरा जोर से बोलो, बनना है क्या? मित्रों, आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा, एक एक माता बहन भाई, किसान दलित मजदूर पिछड़ा सभी निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाने का ये चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दोगे, परमेश्वर लाल सैनी को जो वोट दोगे, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, वो वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। यहां ठाकुर सर्वेश सिंह को वोट दिया, वहां मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, मोदी जी ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाया। अब आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, मोदी गारंटी है कि इस बार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी बना देंगे। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़पति दीदी बनाए हैं, 1 लाख गरीब बहनों को लखपति बनाया है, 1 करोड़। अगर तीसरी बार बने तो 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी पूरा कर देंगे। भाई और बहनों, आपने 2 बार मोदी जी को चुन कर दिया। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे ये राहुल बाबा के, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया 14 से 19। 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। भाई और बहनों, 500 साल के बाद रामलल्ला टेंट की जगह अपने बड़े मंदिर के अंदर अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस रामनवमी को रामलल्ला का जन्मदिन अयोध्या के मंदिर में बनेगा। भाई और बहनों, मुझे बताओ मुरादाबाद वालों, ये मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया। और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। भाई और बहनों, मैं आज मुरादाबाद वालों को कहने आया हूं, जिन्होंने सालों तक ये मंदिर को बनने नहीं दिया, उनमें इतनी नैतिक हिम्मत भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रह जाए। चिंता मत करिए, उनको जो करना है वो करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार भी सजाया, महाकाल लोक भी बना,
बद्री धाम केदार धाम पुनर्जीवित हुए और सोमनाथ का मंदिर भी सोना का बनाने का काम अभी चल रहा है। 5 साल में, ये 10 साल में मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मुरादाबाद वालों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अंत तक बोलो, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस के खड़गे जी कहते हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, मुरादाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और ये जहां कश्मीर शांत से अपना तिरंगा वहां लहरा रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का, आपको याद होगा 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर चले जाते, किसी के माथे पर जू नहीं रहे। मोदी जी आए, उन्होंने फिर से गलती करी, उरी और पुलवामा में धमाका किया, मगर वो भूल गए कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण करने का काम करा है। देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है और 14 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत किया है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं 2013 में आया था, हमारे भूपेंद्र भाई उस वक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, यहां पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहां पर डर, गुंडे, गौ तस्करे की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था, आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर। तभी आप मुरादाबाद से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा कर रहे थे और जनता को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे। तो आपको बता दें कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जिनको आप मुरादाबाद से सुन रहे थे और अपने जनसभा के संबोधन में सरकार की सभी उपलब्धियां को गिनवाते हुए वो जनसभा का संबोधन कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।